नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो लेक्चर जो था वो था सीरीज के 15 क्वेश्चंस पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित रीजनिंग पर उन क्वेश्चंस को विद वीडियो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। और आज आपके लिए मैं एक कंप्लीट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है डाइस। जैसा कि आपको बना हुआ भी दिखाई दे रहा है डाइस पासा, इस डाइस में बेटा 6 सरफेस होती है। सबसे जो अपने को फ्रंट में दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंट सरफेस बोलेंगे। फ्रंट सरफेस जो है, अब सारा खेल जो है डाइस में वो अपोजिट सरफेस का चलता है। तो जो ये फ्रंट सरफेस है भाई, फ्रंट के अपोजिट क्या होगा, बैक सरफेस होगी। तो फ्रंट के अपोजिट आ जाएगा बैक साइड आ गई। और जो ये अपना अंदर की तरफ अपने को दिखाई दे रहा है ये क्या है, अपना राइट सरफेस है। राइट के अपोजिट में कौन सा सरफेस होगा, लेफ्ट सरफेस होगा। और अपने पास एक है टॉप सरफेस, टॉप के अपोजिट क्या होगा, बॉटम होगा। और वैसे ही रिस्पेक्टिवली ये सारे के सारे जो हैं अपोजिट होंगे इन सरफेसेस के। अब ये तो था अपना 3D शेप। ये जो शेप है ये अपनी 3-dimensional शेप है जिसमें अपने को 6 साइड्स विजिबल होंगे। लेकिन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें कभी भी डाइस के 6 साइड्स इस तरह के डाइस में विजिबल नहीं होती। फिर अपने को डाइस कैसा दिखाई देगा, अपने को डाइस दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। और उसमें अपने को जो सरफेस गिवन होंगी विजिबल होंगी वो ओनली 3 सरफेसेस विजिबल होंगी, 3 सतह सिर्फ हम देख पाएंगे। ये अपनी कौन सी टॉप सरफेस बन गई, ये अपनी कौन सी राइट सरफेस बन गई, और ये अपनी कौन सी, इसको हम बोल दें कि ये हमारी फ्रंट सरफेस है। अब टॉप के अपोजिट में क्या होगा, बॉटम। क्या आपको यहां पर बॉटम दिखाई दिया, नहीं दिया। राइट के अपोजिट क्या होगा, लेफ्ट, वो भी हमें विजिबल नहीं होगा। फ्रंट के अपोजिट बैक साइड होगी जो अपने को दिखाई नहीं देगी। तो एक कंक्लूजन तो निकल कर आया भाई, ये कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि जो अपने को 3 साइड विजिबल है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती, क्योंकि टॉप के अपोजिट तो बॉटम था, लेफ्ट के अपोजिट राइट था, फ्रंट के अपोजिट बैक था, कोई भी हमें एक साथ दिखाई नहीं दे रहा। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये जो डाइस में 6 सरफेसेस होती है इन सरफेसेस पर क्या क्या मार्क हो सकता है। तो भाई डाइस की 6 सरफेसेस पर हमने जनरली जो देखा है, हम जो लूडो खेलते हैं उस डाइस में हमने देखा होगा डॉट्स होती है, 1 से लेके 6 तक 6 डॉट्स होती हैं 6 डिफरेंट सरफेसेस पर। तो भाई सबसे पहला तो अपने पास क्या हो सकती है बेटा, डॉट्स होंगे, ठीक है। डॉट्स ना हो तो फिर क्या हो सकता है, यहां पर लेटर हो सकते हैं। लेटर का मतलब क्या हुआ, अपना A to Z कोई भी लेटर हो गया। फिर अपने पास क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 5 6 ही हो, कुछ भी नंबर आ जाए। फिर उसके बाद फिर अपने देखा जाए तो कलर का भी यूज कर सकते हैं डाइस में, कि यहां पर रेड कलर कर दिया, यहां पर येलो कर दिया, यहां पर पिंक कर दिया, और अपने को सारी सरफेसेस पर कलर्स दिखा दिए गए। और क्या हो सकता है, यहां पर सिंबल हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि स्टार आ गया, हैश आ गया, ट्रायंगल आ गया, एट द रेट आ गया, एरो आ गई, कोई भी सिंबल आ गया। और इन सभी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मान लीजिए यहां पर सिंबल दिखाई दे गया, यहां पर कलर दिखाई दे दिया, यहां पर डॉट आ गई। तो फिर हम उसमें किस तरीके से अपोजिट सरफेस को फाइंड आउट करेंगे, ये सारी बातें हम डाइस के टॉपिक में सीखेंगे। चलिए बेटा थोड़ा सा समझते हैं डाइस को, थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। एक डाइस अपने को गिवन है जिसकी 3 डिफरेंट साइड्स अपने को दी गई, 3 4 5। अब सीधे सी एक बात है कि आपसे अगर 4 के अपोजिट कोई पूछता है कि क्या होगा, तो भाई 4 के अपोजिट, 4 कौन सी सरफेस है, टॉप सरफेस, इसके अपोजिट क्या होगा, बॉटम सरफेस होगी। क्या आप बॉटम को देख पा रहे हो, क्या बॉटम तो दिखाई नहीं दे रही, दिखाई नहीं दे रही, तो 3 और 5 तो नहीं हो सकता। तो अपने पास क्या बच गया, या तो 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। वैसे ही अपने से 5 के अपोजिट पूछ लिया, तो 5 के अपोजिट 4 और 3 तो नहीं होगा, क्योंकि 5 के अपोजिट तो वो सरफेस लेफ्ट सरफेस होगी अपने, जो अपने को विजिबल नहीं होगा।
और लेफ्ट सरफेस पर इन तीनों सरफेसेस को छोड़कर जो भी मार्क होगा वही होगा, और 1, 2 और 6 में से ही कुछ होगा। 5 के अपोजिट पूछा जाए तो भी 1, 2, 6 में से कोई एक साइड होगी, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कौन से साइड होगी। और वैसे ही अपना जो ये फ्रंट सरफेस है 3, फ्रंट के अपोजिट क्या होता है? बैक होता है। तो फ्रंट के साथ साथ में बैक कभी दिखाई नहीं देगा। अगर अपने से पूछा जाए कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट अगर देखा जाए तो या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 6 होगा। तो ये जो 3 साइड्स थी, ये 3 साइड्स अपने को गिवन साइड्स थी, और 1, 2, 6 कौन सी साइड्स थी जो अपने को दिखाई नहीं दी, मतलब कि हिडन साइड्स थी। ये गिवन साइड्स हैं, ये हिडन साइड्स हैं। जब यहां से क्वेश्चन पूछा गया तो भाई गिवन तो आंसर बन ही नहीं सकता, क्योंकि 3 के अपोजिट 4 और 5 कभी भी नहीं होगा, तो आंसर हिडन साइड्स से बनेगा। तो गिवन और हिडन जो है वो एक दूसरे के हमेशा अपोजिट चलते हैं। इस बात पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि गिवन साइड्स और हिडन साइड्स ही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्योंकि देखिए, जब इस डाइस को हम पलट देंगे, इस डाइस को मान लीजिए हमने पलट दिया, तो अपने को 3 सरफेस फिर से विजिबल होंगी, और वो 3 सरफेस कौन कौन सी होंगी? 1 यानी कि 3, 4 और 5 तो यहां पर अब दोबारा से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जब इस डाइस को हम रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, इसको पलट देंगे, तो अपने को सामने दिखाई देगा 1, 2 और 6। ये मैंने अपनी मर्जी से यहां पर 1 लिख दिया, 1 यहां पर भी हो सकता था, 2 यहां पर भी हो सकता था, और 6 कहीं पर भी, यहां पर भी हो सकता था। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई जो अपने को गिवन साइड थी, इसको पलटने के बाद हिडन साइड अपने लिए विजिबल हो जाएंगी, और जो गिवन साइड्स थी वो अपने लिए हिडन हो जाएगी। अब यहां से अगर 1 के अपोजिट पूछा जाए तो फिर से हम क्या अप्लाई करेंगे कि भाई 1, 2 और 6 तो आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट साइड्स हैं, और एडजेसेंट कभी भी एक साथ विजिबल नहीं हो सकते। तो 1 के अपोजिट अगर पूछा गया तो हमारा आंसर इसके लिए हिडन साइड कौन सी है? 3, 4, 5। 2 के अपोजिट अगर पूछा गया, फिर से 3, 4, 5। 6 के अपोजिट पूछा गया, फिर से 3, 4, 5। यही तो थी अपनी हिडन साइड, और ये थी अपनी गिवन साइड। तो पूरे डाइस में सारा खेल जो है वो क्या है? गिवन साइड्स का और हिडन साइड्स का है। दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना लेके आए। कभी भी आपसे गिवन साइड से क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर हमेशा और हमेशा हिडन साइड से बनेगा, और हिडन साइड से क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर हमेशा गिवन साइड से बनेगा। इस बात पर फोकस रखना है अपने को, पूरा टॉपिक इसी बात पर चलने वाला है अपना। अब थोड़ा सा डाइस को हम थोड़ा सा डिटेल में और पढ़े कि डाइस रियल में कैसे कैसे डाइस हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो डाइस को जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक डाइस जिससे हम लूडो खेलते हैं, वो डाइस जो है वो अपनी एक कैटेगरी में आता है, जिसको क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड डाइस। एक डाइस तो होता है बेटा स्टैंडर्ड, जिसको हिंदी में बोला जाता है मानक पासा, और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस इसको क्या बोला जाता है? अमानक पासा। अब इसी पासे को हम क्या बोल देते हैं? जनरल डाइस बोल देते हैं। इसी डाइस को हम क्या बोल देते हैं? ऑर्डिनरी डाइस बोल देते हैं। ऑर्डिनरी डाइस आ जाए, जनरल डाइस आ जाए, या फिर अपना नॉन स्टैंडर्ड डाइस आ जाए, इन सभी का मतलब क्या है? अमानक पासा है। अब भाई ये डाइस कौन कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड कौन सा और ऑर्डिनरी कौन सा? तो स्टैंडर्ड डाइस एक बार थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है? जिसमें सम ऑफ द ऑपोजिट सरफेस विल बी 7। यहां पर बोला गया कि विपरीत सतह का योग जहां पर 7 होगा वो डाइस अपना स्टैंडर्ड डाइस होगा, मानक पासा होगा। भाई जिन 2 विपरीत सतह का योग 7 हो जाए वो पासा मानक पासा कहलाता है, और जिन 2 विपरीत सतह का योग 7 ना हो वो पासा कौन सा कहलाता है? अमानक पासा कहलाता है। तो भाई सीधी सी बात बताइए, इस डाइस में 1 के अपोजिट क्या होगा? 7 का जोड़ बनाना है अपने को, तो 1 के अपोजिट क्या करेंगे? 6 को अप्लाई करेंगे।
टू के अपोजिट किसको अप्लाई करेंगे, फाइव को अप्लाई करेंगे, और थ्री के अपोजिट किसको अप्लाई करेंगे, फोर को अप्लाई करेंगे। ये सारे के सारे जो साइड्स हैं ये अपनी अपोजिट साइड्स होंगे, और इन अपोजिट साइड्स का अगर सम हम कर दें तो यहां पर भी सेवन होगा, यहां पर भी सेवन होगा, और यहां पर भी सेवन होगा। सिर्फ एक सरफेस, एक तरफ का जोड़ सात हो ये जरूरी नहीं, ये कंपल्शन है, ये बाउंडेशन है, ये एक अपने लिए कंडीशन रख दी गई कि सारे के सारे जो अपोजिट सरफेस होंगी उन सभी का सम जो होगा वो क्या होगा, सेवन होगा। तो भाई अगर अपने को एक सिंपल सा डाइस, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बात कर लें, भाई हमने इसको एक डाइस मान लिया, यहां पर सिक्स सरफेस हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अगर आपको बता दिया जाए कि ये डाइस जो है वो स्टैंडर्ड डाइस है और मैं यहाँ पर फाइव मार्क कर देता हूं, मैंने यहां पर फाइव मार्क कर दिया, आपको पता है कि ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस है तो आप तुरंत बता दोगे कि फाइव के अपोजिट क्या होगा, टू होगा। यहां पर अगर थ्री मार्क है तो आप तुरंत बता दोगे थ्री के अपोजिट क्या होगा, फोर होगा। यहां पर सिक्स है तो आप तुरंत बता दोगे कि यहां पर वन होगा। कैसे पता लगा, क्योंकि मेंशन किया गया, आपको बताया गया कि ये वाला डाइस कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, इसलिए आपने अपोजिट सरफेस तुरंत बता दे। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई हमें नहीं पता कि अपोजिट साइड का सम सेवन है, कहने का मतलब कि बता दिया गया कि वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, तो वन के अपोजिट आप क्या बोलोगे। देखिए फिर से एक बार इसको डाइस मान लें, आपको बताया गया कि ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, तो फाइव के अपोजिट अब आप आंसर क्या दोगे, फाइव को छोड़कर छह नंबर होते हैं टोटल, देखिए जिसमें से एक नंबर अपने को बताया गया कि फ्रंट में फाइव है, तो इस फाइव को छोड़कर फाइव नंबर्स और बच गए, वन बच गया, टू बच गया, थ्री बच गया, फोर बच गया और सिक्स बच गया, उनमें से कुछ भी हो सकता है यहां पर, तो आप क्या इसके अपोजिट सरफेस को बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। यहां पर भाई थ्री है और मैंने आपको बोला कि ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो यहां पर थ्री है तो इस थ्री के अपोजिट आप बता दोगे क्या, नहीं बता पाओगे। तो सीधे सीधी बात में अगर हम बोले कि ऑर्डिनरी डाइस कौन सा डाइस होता है जिसमें हम अपोजिट सरफेस कांट बी डिटरमाइन, अपोजिट सरफेसेस कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन को शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया सीबीडी। सभी को पता होगा सीबीडी का फुल फॉर्म क्या है, कांट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। कहने का मतलब हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी विपरीत फलक नहीं बता पाएंगे। आपसे अगर वन के अपोजिट पूछा जाए, टू के अपोजिट, थ्री फोर फाइव सिक्स, किसी के भी अपोजिट पूछा जाए तो अपना आंसर क्या होगा, सीबीडी, कांट बी डिटरमाइन। अब भाई यहां पर एक क्वेश्चन था कि अपोजिट सरफेस का सम सेवन होगा, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है क्या नॉन स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम सेवन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मान लो अगर वन के अपोजिट सिक्स हो गया, मैक्सिमम एक बार सम सेवन हो सकता है, क्योंकि अगर दूसरी बार हमने टू के अपोजिट फाइव रख दिया तो दो ही तो नंबर बच गए, थ्री और फोर बच गए, तो थ्री के अपोजिट मजबूरन हमें क्या रखना पड़ेगा, फोर रखना पड़ेगा, और फिर से सभी का सम सेवन हो गया तो ये डाइस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्टैंडर्ड डाइस में। तो अगर एक बार सम सेवन आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि यहां पर तो सम सेवन आ गया, अब क्या पता आगे थ्री के अपोजिट फाइव हो और टू के अपोजिट फोर हो, तो क्या ये स्टैंडर्ड डाइस काउंट होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन थी कि सभी सरफेस का अपोजिट सरफेस का सम जो होगा वो सेवन होगा। यहां पर एक बार तो सेवन आया, लेकिन दूसरी बार क्या आया, एट आया, और तीसरी बार क्या आया, सिक्स आया। तो इस डाइस को हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, ऑर्डिनरी डाइस में रखेंगे, ये आपको एग्जांपल के तौर पर बताया गया। अब डिस्कस करते हैं कि भाई डाइस जो है, डाइस के टॉपिक से क्वेश्चन कितने टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन की डिस्कशन करें, क्योंकि देखिए इस टॉपिक को मैं आपको करवाने वाला हूं डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे जैसे एक एक पार्ट कंप्लीट कराता जाऊंगा उसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, और आपको लास्ट में लगेगा कि टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया, पांच मिनट में पूरा टॉपिक हम रिकॉल करेंगे। जिस दिन इसकी लास्ट क्लास होगी, बिल्कुल लास्ट में आपको पांच मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक रिकॉल करके दिखाऊंगा, और उसी तरीके से आपको रिकॉल करना है। तो हम यहां पर बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, भाई डाइस से क्वेश्चन के टाइप कैसे कैसे हैं, तो फर्स्ट टाइप है बेटा सिंगल डाइस का। सिंगल डाइस का मतलब है अपने को एक पासा दिखाया जाए और किसी भी सरफेस के अपोजिट सरफेस पूछ लिया जाए,
दूसरा जो टाइप बनेगा वो बनेगा अपना डबल डायसिस का। भाई अपने को अब तक एक डाइस दिखाया गया था, अब की बार अपने को दो डाइस दिखा दिए गए। तीसरा टाइप क्या बनेगा, दो से ज्यादा कितने भी डाइस आ जाओ चाहे, तो उसको हम कैटेगरी में रखेंगे मोर देन टू डाइसेस। मतलब कि दो से ज्यादा कितने भी आ जाओ, थ्री डाइसेस, फोर, फाइव, सिक्स। फिर आगे हम चले, एक लास्ट टाइप है ओपन डाइस का। ओपन डाइस का मतलब क्या है, पूरे डाइस को ओपन करके अपने को दिखाया जाएगा और फिर वहां से क्वेश्चन बनेगा। जैसे जैसे हम टाइप कंप्लीट करेंगे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट है, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये है टू फाइंड आउट द मिसिंग साइड इन अ डाइस। मिसिंग साइड का जो डाइस होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो हम टाइप वाइज चलते हैं, फर्स्ट टाइप को हम शुरू करते हैं और इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप सिंगल डाइस का। क्वेश्चन पर आने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करें, अभी अभी हमने पढ़ा था कि डाइस दो टाइप का होगा, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा, अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा, अपोजिट सरफेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, कांट बी डिटरमाइन अपना आंसर होगा। तो देखिए अब हम सीख रहे हैं कि डाइस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। हमने एक रूल तो ये पढ़ा था कि अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा। अब एक बात बताइए, हमें ये पता है कि डाइस में जो तीन सरफेस दिखाए गए वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट में नहीं होंगे। तो 5 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 5 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता। तो 5 के अपोजिट जब 2 नहीं हो सकता तो अपोजिट सरफेस का सम 7 बनेगा ही नहीं। तो 5 के अपोजिट बॉटम सरफेस पर अब 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 तो अपने को फ्रंट पर दिखा दिया गया। तो 5 के अपोजिट 2 नहीं होगा तो ये कौन से कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में। इन शॉर्ट वे हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर भाई सामने ही 7 का जोड़ दिखा दिया अपने को, सामने 7 का जोड़ दिखा दिया तो अपोजिट में कभी भी नहीं होगा, और सामने 7 का जोड़ नहीं दिखाया गया तो उसको हम अपोजिट में 7 कर सकते हैं। यहां पर हमने देखा 5 3 3 1 5 1, भाई 5 और 1 को अगर ऐड करें तो 6 हुआ, 1 और 3 को ऐड करें तो 4 हुआ, और 5 और 3 को ऐड करें तो कितना हुआ, 8 हुआ। कहीं पर भी सम जो है वो 7 नहीं आया, कहां पर, फ्रंट में। एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं आया, निकटवर्ती सतह का, और वो भी किसी भी दो निकटवर्ती सतह का सम, किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 ना हो तो वो मानक पासा होता है, और यदि किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 हो गया तो वो अमानक पासे की कैटेगरी में रखा जाता है। तो सिंगल डाइस जो है, सिंगल डाइस के क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से आते हैं कि अपने को एक डाइस दिखा दिया गया और अपने से पूछ लिया गया कि भाई कौन सी साइड किस साइड के अपोजिट होगी। वो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले डाइस को आइडेंटिफाई करना होगा। डाइस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सामने 7 का जोड़ है तो अपोजिट में नहीं होगा, नहीं होगा तो आंसर कांट बी डिटरमाइन होगा, और सामने 7 का जोड़ नहीं है तो फिर हम अपोजिट में 7 का जोड़ बना देंगे। यहां पर 5 के अपोजिट 2 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा, और 1 के अपोजिट 6 होगा। ये रूल बनाया गया डाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है। हमने पढ़ा कि डाइस दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अपोजिट सरफेस का सम 7 ही क्यों होगा, 10 क्यों नहीं लिया जाता, 11 क्यों नहीं लिया जाता, ये 7 ही क्यों लिया जाता है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बस जिसको रट्टा मारने की आदत हो गई कि अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है ये नहीं पता। ये जरूरी नहीं कि अपोजिट सरफेस का सम 7 होने से ही डाइस स्टैंडर्ड होगा। मैं आपको बताऊंगा कि अपोजिट सरफेस का सम कुछ भी हो सकता है, कंडीशन ये है कि हमें जो नंबर्स दिए गए वो एक सीक्वेंस में दिए जाने चाहिए। जैसे अगर देखिए डॉट की बात करें हम, तो अपने को 1 डॉट से लेकर 6 डॉट्स तक गिवन होते हैं, और अगर हम नंबर की बात करें तो 1 2 6 ये नंबर गिवन होते हैं, और लेटर की बात करें तो A to F ये लेटर गिवन होते हैं। यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं नंबर वाले पार्ट का, भाई 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 डिफरेंट सरफेसेस हैं,
यहां पर जो सबसे कम नंबर है और सबसे अधिक संख्या जो है इनका सम कितना हुआ? 7 हुआ। यहां पर 2 है और यहां पर 5 है, इनका सम कितना हुआ? 7 हुआ। और 3 और 4 का सम कितना हुआ? 7 हुआ। इस तरीके से डाइस जो है स्टैंडर्ड बनता है। रट्टा मारने की कोई भी बात नहीं है इसमें, भाई अपने को कंटिन्यू 6 नंबर दिए गए, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़े नंबर का अगर सम हम कर दें तो अपोजिट सरफेस का सम उतना ही होना चाहिए उसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि देयर आर 6 डिफरेंट सरफेसेस इन अ डाइस गिवन फ्रॉम 5 to 10। 5 से 10 तक 6 अलग अलग सतह दी गई है, 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, 6 अलग अलग सतह हो गई। अब क्या इसमें हम इसको डाइस के फॉर्मेट में हम तैयार कर लें और यहां पर अपने को दिखाया गया 5 6 7, तो 7 के अपोजिट अगर अपने से पूछ लिया जाए तो क्या हम बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। क्यों बता पाएंगे? क्योंकि अपने को ये एक सीक्वेंस दी गई, भाई सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर। लेकिन बात ध्यान रखना कि ये सीक्वेंस होनी जरूरी है। अगर बोला जाए 5 6 11 13 15, ये कोई सीक्वेंस नहीं बनी, एक कंटिन्यूटी के साथ अपनी सीक्वेंस बननी चाहिए। तो यहां पर सबसे छोटा नंबर था 5 और सबसे बड़ा नंबर जो है 10, इनका सम कितना होगा बेटा? 15। तो 6 और 9 का सम भी कितना होगा? 15। और 7 और 8 का सम भी कितना होगा? 15। अब इसके लिए क्या डेफिनेशन बन गई कि अपोजिट सरफेस का सम कितना होना जरूरी है? 15 होना जरूरी है उसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए। अब हमने देखा क्या अपोजिट सरफेस का सम 15 है तो क्या एडजेसेंट का सम कहीं पर 15 आ रहा है क्या? अगर कहीं पर भी जोड़, दो सतह का जोड़ अगर 15 आ गया तो अपोजिट में नहीं होगा, और सामने ही 15 का जोड़ नहीं आया तो अपोजिट में होगा। तो हमने देखा 5 और 6 11, यहां पर 5 और 6 दो सरफेस ली, 6 और 7 दो सरफेस ली, 7 और 5 दो सरफेस ली। यहां पर हमने देखा 5 और 6 11, ये 13 और ये हो गया अपना 12। कहीं पर भी सम 15 आया क्या? नहीं आया। तो ये डाइस कौन सा डाइस बन गया? स्टैंडर्ड डाइस बन गया। अब मैं 7 के अपोजिट बता सकता हूं कि 7 के अपोजिट होगा क्या? 8। 8 के अपोजिट क्या होगा? 7। 6 के अपोजिट क्या होगा? 9। और 5 के अपोजिट क्या होगा? 10। ये भी तो स्टैंडर्ड डाइस बन गया। बात करें अगर अपने को डाइस दिया जाए कुछ इस तरीके से, सेम वही बातें दी गई कि 5 से लेकर 10 तक संख्याएं दी गई अपने को अलग अलग स्तर पर, और यहां पर आया 10 5 9। अब अपने से 5 के अपोजिट पूछ लिया भाई क्या होगा, तो हमने देखा कि विपरीत सतह का योग कितना होना जरूरी है? 15। अब हमने देखा यहां पर फ्रंट में ही जोड़ 15 बन गया, तो 5 के अपोजिट 10 कहां से आएगा और 10 के अपोजिट 5 कहां से आएगा? अब ये डाइस कौन सा डाइस बन गया? ऑर्डिनरी डाइस बन गया, नॉन स्टैंडर्ड डाइस बन गया। तो यहां पर हमें एक ऑप्शन दिया जाएगा, कांट बी डिटरमाइन, या फिर डेटा इनसफिशिएंट, जानकारी अधूरी है, या फिर हम ज्ञात नहीं कर सकते। वैसे ही डॉट का सिस्टम है, 1 से लेके 6 तक 7 का जोड़ हो गया, 2 डॉट आएंगी, 5 डॉट आएंगी, 7 का जोड़ हो गया, इसलिए इनका जोड़ जो है वो 7 किया जाता है। अच्छा लेटर की बात करें, लेटर में स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी का कॉन्सेप्ट चलेगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि लेटर को नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिया गया, भाई ए बी सी डी ई एंड एफ, ए का नंबर प्लेस 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से इनको नंबरिंग में चलाया, और इसको भी हमने स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि ए और एफ क्या हुए? एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 1 प्लस 6 7 हो गया, 2 प्लस 5 मतलब बी और ई एक दूसरे के अपोजिट हुए, सी और डी एक दूसरे के अपोजिट हुए स्टैंडर्ड डाइस में। तो अपने को अगर सिंगल डाइस दिया जाए और अपने को कुछ इस तरीके से बी डी और ई, ये क्वेश्चन अपने को दे दिया गया और अपने से पूछा गया कि भाई बी के अपोजिट बता दो क्या होगा, बी के अपोजिट क्या होगा, इसको बताने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इनका नंबर प्लेस देखना होगा, बी कितने पर है? 2 पर, ई कितने पर है? 5 पर, और डी कितने पर है? 4 पर। हमने देखा कि 5 और 2 को अगर जोड़ दे तो 7 का जोड़ बन गया, और ये 7 का जोड़ अगर फ्रंट में बन गया तो अपोजिट में कैसे बनेगा? अपोजिट में नहीं बनेगा, तो हमारे पास आंसर भी
नहीं बनेगा तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सीबीडी कांट बी डिटरमाइंड, डेटा इनसफिशियंट होगा। तो ये तीन कैटेगरी थी, लेटर की, नंबर की और डॉट्स की, जिसके बिहाफ पर हम इनको कैटेगराइज कर सकते थे कि ये डाई स्टैंडर्ड होगा या ऑर्डिनरी होगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर डाइस में अपने पास आ जाते हैं सिंबल्स, अपने पास सिंबल आ गए भाई, यहां पर दिया गया ट्रायंगल, यहां पर दिया गया स्टार और यहां पर दिया गया हैश, अब हम कहीं पर भी सात का जोड़ बना सकते हैं क्या? कहीं पर भी नहीं बना सकते। इनकी कोई नंबर की कोई सीक्वेंस बनती है क्या? बिल्कुल भी नहीं बनती। तो ये डाइस अपने आप में किस कैटेगरी में चले जाएंगे? नॉन स्टैंडर्ड डाइस में। वैसे ही यहां पर सिंबल की जगह अगर कलर दे दिया जाता, पिंक, ग्रीन, रेड, अब नंबर की भी कलर की भी कोई सीक्वेंस, कोई सीरीज नहीं बनेगी, तो उसको भी कौन सी कैटेगरी में परमानेंटली रख दिया गया? नॉन स्टैंडर्ड डाइस में। तो स्टैंडर्ड डाइस को हम आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेटमेंट पर फोकस करेंगे। कई बार एग्जाम में दे दिया जाता है कि भाई 15 से लेके 20 तक जो नंबर दिए गए वो अलग अलग सरफेस पर दिए गए, और उसके बिहाफ पर हम उसको कैटेगराइज करेंगे स्टैंडर्ड में और नॉन स्टैंडर्ड में। तो बेटा ये अपना था बेसिक जनरल एक इंट्रोडक्शन डाइस से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट पार्ट में सिंगल डाइस के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपके साथ सारे के सारे डिस्कस करूंगा। वो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, शायद आपने उस तरह के क्वेश्चन कभी ना भी किए हो, अगर किए भी होंगे तो आपका रिविजन हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।